नमस्कार, केपीटीवी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। देश में बढ़ती महंगाई, रसोई गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में एमएमएफएस एसोसिएशन ने अनोखे ढंग से विरोध दर्ज किया है। घोड़े पर सवार होकर एसोसिएशन के पदाधिकारी ने जिला अधिकारी कार्यालय का रुख किया। परेड चौराहे से निकले, इस बाइक से नहीं घोड़े से चलेंगे। विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की और जिला अधिकारी को प्रधानमंत्री संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विरोध कर रहे लोगों ने बताया कि पेट्रोल महंगा होने से लोग वाहन का प्रयोग न करने को मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में टैक्स वापस लेने के साथ ही घोड़े से चलने की मांग की गई है। जनपद कानपुर से अमित शर्मा की खास खबर। खेल व्यवसाय खिलाड़ियों के हित में खेलों को प्रोत्साहन के लिए नया क्या करने जा रही है, मुझे ये बताइए। आज भी हम लोग आए हैं, ये नया ही काम है। इसी तरीके से पूरे उत्तराखंड में थे हम, अभी आज यहाँ पे जिम का आ रही है। ये लगभग जो काम जिम का जो उद्घाटन 7 लाख के आसपास का है, और इसी तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर अभी तक 35-36 जिमों का उद्घाटन हुआ है। और खेल विभाग का यह प्रयास है कि आने वाले कोई ऐसा मौका है कि स्टेडियम न बचे, यहाँ पे सब खिलाड़ियों के लिए आधुनिक चीज़ों के साथ पूरा खेल विभाग। लॉकडाउन के बाद से तदर प्रशिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है, आपका फोन आ रहा है, खाली पड़ी हुई है। देखिए, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पूरे देश के अंदर खेल गतिविधि में कुछ कोरोना जैसे शुरू होगा घायल खिलाड़ियों के लिए, जैसे शुरू होगा जो खिलाड़ी घायल हो जाते हैं उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। कल भी एक खिलाड़ी जो एक्सीडेंट हो गया था, कोच था, और उसकी हालत बहुत दुर्दशा के दौर से गुजर रही है, उसका पैर काटने की सुनने में आया है। तो खेल विभाग उसके लिए क्या करेगा? उसके लिए भी जब से खेल विभाग अलग भारतीय जनता पार्टी के संकल्प था उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए इलाज कराने के लिए एक हम लोग बना करके लाया। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प उसको हम लोग पूरा करेंगे। काफी पत्तियाँ नहीं चल रही, सारी के सारी ये जो चीजें बहुत सारे काम और कुछ उम्मीद है क्या यहाँ पर? कब से चल रही है? आपने बताया उसको हम लोग संज्ञान और हम लोग कोशिश करेंगे। मंत्री जी, इंटरनेशनल मैच बंद हो चुके हैं, यहाँ पर कुछ उम्मीद है क्या? अभी चूँकि कोरोना को लेकर के पूरे प्रदेश पूरे देश के अंदर खेल की गतिविधियों पे रोक है, और जहाँ पे भी खेल गतिविधियाँ हो रही है वहाँ दर्शक नहीं आ रहे, और जहाँ पे दर्शक नहीं रहेंगे वहाँ खेल का आनंद नहीं होता। तो जैसे भारत सरकार की गाइडलाइन में खेल ये माना जाए कि यहाँ पर इंटरनेशनल मैच होंगे। अरे बिल्कुल होंगे, हाथ पीछे करो भाई, देशवासियों का भाग्य है कि पहले उन्होंने स्वस्थ भारत के लिए उन्होंने जो भी हर चीज का जो उन्होंने कहा जाए स्वच्छता के नाम के ऊपर हम समाज में नहीं जाना चाहता कि गाँव तक हमारी बहनों बेटियों को स्कूल होना पड़ता था, बात नहीं है हर घर में सोचो विश्वास और उसके बाद फिर जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो फिर समृद्ध भारत का। आज हर क्षण मैंने कहा माननीय मोदी जी का एक एक शब्द होता हुआ तब दिखाई देता है जब इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हमारे कहते हैं इस
रेस्टरूम है, यहाँ पर खिलाड़ी अपना सोना पा सकते हैं, सारी की सारी सुविधाएँ मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इतना लेटेस्ट सुविधाओं के लिए सुसज्जित है। कानपुर महानगर के बाद उसके बाद कानपुर महानगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो शामिल नहीं हुए उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। अरे पवेलियन जो है इससे पहले भी कई लोग आ चुके थे, जो सुरेश रैना भी आ चुके हैं और भी कैमरा भी साथी वगैरह भी देख चुके हैं, लेकिन अभी तक पवेलियन में इसमें मैच नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैंने कहा पवेलियन बना जी, मैच बनेगा। कानपुर महानगर में हमारे कुलदीप यादव है, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हम लोग, ये कानपुर महानगर का कोई भी हम सबके लिए गौरव है, नाम लिखो अच्छा लगता है कि हमारे घर और जिसमें जो भी ऐसे आपके मैनेजर हैं रवि शास्त्री बहुत सारे ऐसे लोग हमें इस सुविधाओं को देखने द्वारा निकाला है, क्योंकि हम लेटेस्ट सुविधाएँ जो पूरी दुनिया में उपलब्ध है वो खाते हैं। कंपनी के द्वारा कानपुर महानगर में कई प्रकार के जहाँ द्वारा इसका निर्माण किया गया बहुत गुणवत्ता के साथ निर्माण किया जाता है, हर किसी परफेक्ट के साथ ही कानपुर महानगर में विभिन्न स्थानों को कानपुर महानगर को सुंदर बनाने के लिए एक सजाने के लिए जो मिस्त्रियों के द्वारा काम किया जा रहा है। मैं इस बात को बड़ी गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारी मेयर आदरणीय प्रमिला पांडे के नेतृत्व में कानपुर नया धारण कर रहा है।